पहले बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो यूपी कैडेट की एग्जाम यूपी कैडेट का जो एग्जाम हुआ था एमएससी के लिए उनका ये नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि बीएससी की काउंसलिंग लगातार चल रही है तो एमएससी की काउंसलिंग आपकी कब होगी, तो एमएससी की काउंसलिंग के लिए बच्चों नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट जो भी है वो रेडी रखिए। कैसे क्या काउंसलिंग होगी, क्या प्रोसीजर होगा, इसका पूरा आज हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे काउंसलिंग करना चाहते हैं परा स्नातक या मास्टर्स की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है कि जो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सिर्फ वही जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सिर्फ वही काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी कि जो नॉट क्वालिफाइड हैं वो लोग कहीं से भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये कमेंट या मैसेज या कॉल के माध्यम से आप मत पूछिएगा कि क्या जो नॉट क्वालिफाइड है वो काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं। ठीक, वही बच्चे काउंसलिंग कराएंगे जो क्वालिफाइड हैं। आगे देख लेते हैं विवरण में क्या लिखा हुआ है। परा स्नातक या मास्टर्स प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करना, यानी कि सबसे पहले जो है वो मास्टर्स के लिए अगर आप काउंसलिंग करना चाह रहे हो, परा स्नातक के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो पंजीकरण शुल्क जमा करना है वो 26 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक करना है। ठीक है बच्चों, 26 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक जो है वो आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, आगे देखेंगे फीस जमा करनी है। ये देख लीजिए फीस जमा करने की जो डेट है 26 से लेके 28 तारीख तक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, काउंसलिंग हेतु पंजीकरण एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना सेकेंड प्रोसीजर होगा। जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा हो कि बीएससी में जो सेकेंड प्रोसीजर था कि आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले पेमेंट करने के 24 घंटे के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। क्या क्या अपलोड करना होगा अभी आगे देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की जो डेट है वो 27 से लेके 31 अक्टूबर तक होगी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की पद्धति क्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के समय निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें। मतलब अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए तैयार बैठे हो बच्चों, तो आपके सामने जो है ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि वो मोबाइल नंबर आपका ऑन होना चाहिए। ऐसी कोई समस्या लेकर मत आइएगा कि वो मोबाइल बंद हो गया है, मोबाइल गिर गया है, सिम टूट गया है, पानी में भीग गया, बारिश आ गई, इस तरह की समस्याएं जो भी हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। वही मोबाइल नंबर अगर आपका खो गया है या फिर किसी भी तरह से गायब हो गया है तो उस मोबाइल नंबर को आप जो है दोबारा से निकलवा लीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में डाली थी वो चालू होनी चाहिए। जो रोल नंबर है वो आपको याद होना चाहिए और आपको अपने डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र स्कैन कॉपी, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षिक प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पर है हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपकी बीएससी की डिग्री और सारे के सारे रिजल्ट्स। ठीक है, तो शैक्षिक प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका होना चाहिए, टीसी वगैरह होनी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और सभी अंक पत्रों की अलग अलग स्कैन करके आप जो है उनको पीडीएफ बना लीजिए। सबका अलग अलग स्कैन करिए, सबका पीडीएफ बना लीजिए और उनका जो साइज होता है डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी पीडीएफ का जो साइज होता है वो 1 MB लगभग होना चाहिए अधिकतम साइज, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पॉइंट तीसरा देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि अभ्यर्थी ने आवेदन अगर उसने फॉर्म भरते समय आरक्षण के लिए अप्लाई किया हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो विकलांग हो, वो खिलाड़ी हो या फिर सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, तो उसने इसमें किया है तो उस आरक्षण से संबंधित, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, खिलाड़ी का अपना सर्टिफिकेट या फिर सैनिक, जो भी अगर आपके पास है तो उससे संबंधित जो भी कागज हैं, ठीक है, संबंधित उपयोगार्थ मान्य अवधि का प्रमाण पत्र, कब तक वो लागू रहेगा इसका प्रमाण पत्र एक बनता है बच्चों, तो वो अपने पास स्कैन करके उसका पीडीएफ भी 1 MB में अपने पास रखें। ठीक है, और बच्चों आपको बता दें कि लगातार लास्ट ईयर 2020 में इस बार दो टॉप रैंक के हैं एमएससी की तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, सारी की सारी टेलीग्राम पर शेयर की गई हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए जिससे उसे पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। जो पीडीएफ है उसको स्कैन करके, जो डॉक्यूमेंट है उन्हें स्कैन करके इस तरह से आपको पीडीएफ उसका बनाना है, ताकि आपके कागज में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो उसे साफ पीडीएफ बनाने के बाद साफ साफ पढ़ी जा सकें और साफ साफ दिखाई दें। और अगर आप एमएससी की कोचिंग करना चाहते हैं बच्चों, तो आप सब तिवारी सर के नंबर 97 93 900 888 पर कॉल जरूर करें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए कि उसे पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। अस्पष्ट रूप से स्कैन प्रमाण पत्र अस्वीकार होंगे, मतलब अगर उसको सही से उसमें नहीं दिखाई देगा तो आपके वो अस्वीकार होंगे, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड दूसरा चरण क्या होगा। ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो आप रेडी करा लीजिए। सेकंड देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग करने की क्रमवार विधि, जो ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है उसका क्रम क्या होगा वो देख लेते हैं। हमने वैसे भी ऊपर बता दिया है आपको, एक बार यहां पर भी समझ लेते हैं। स्टेप वन जो आपका होगा, जो प्रथम चरण होगा, वो होगा ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो हमने ऊपर भी देख लिया है यहाँ पर कि 26 से लेकर 28 तक जो है वो 26 से 28 तक आपका फीस जमा होगा। तो लिखा है सर्वप्रथम अभ्यर्थी को ऑनलाइन ₹500 जमा करना होगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के 18 घंटे के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो BSc की काउंसलिंग थी बच्चों, वहाँ पर जो है वो 24 घंटे दे रहे थे, यहाँ पर 18 घंटे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक एक बात को बहुत ही ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, तभी आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद 9793988 पर। आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अलग अलग PDF में, हमने बता दिया सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके पढ़ाई से संबंधित, सब अलग अलग PDF बनेगी सबकी, अलग अलग PDF फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसको फाइनल सबमिट करना होगा। करने में अगर कोई दिक्कत आती है काउंसलिंग को तो जो है वो हम आपको इसका वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप क्या है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जब आप ये कर लोगे, ₹500 जमा कर दोगे, 18 घंटे के बाद बच्चों आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लोगे अलग अलग सबका, PDF आपको 1 MB से कम का रखना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी कि सभी दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित हो जाने के बाद, यानी जो दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट जब यूनिवर्सिटी सत्यापित कर देगी, जब अप्रूव कर देगी, उसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने चयनित विश्वविद्यालय, विषय, सीट और टाइप, ये सारी चीज़ें जो है वो भरेगा। मतलब वो उसे कहाँ एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, फ्री सीट चाहिए, पेड सीट चाहिए, या फिर कैसी सीट चाहिए, NRI सीट चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। तो यानी कि आप जो चाह रहे हो वो आप चॉइस वहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद 2 से 3 दिन का वो मौका देंगे आपको, चॉइस फिलिंग कर लोगे, उसके बाद बच्चों आपका चॉइस लॉकिंग होगा। चॉइस फिलिंग के बाद अभ्यर्थी को अपनी चॉइस को लॉकिंग करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपने चॉइस भर ली सारी की सारी, उसके बाद आप अपनी तरफ से लॉक कर दोगे चॉइस कि हाँ ये मेरा जो डिसीजन है ये फाइनल डिसीजन है, आप चॉइस को लॉक कर दोगे। चॉइस लॉक करने के बाद सीट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी फी डिपॉजिट, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है, जब आप चॉइस लॉकिंग कर दोगे ना, उसके बाद एक रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है, कौन सा सब्जेक्ट मिला है। ठीक, जब आपको वो चीज़ पता चल जाएगी बच्चों, तो आपको अपना जो है वो सीट का जो सिक्योरिटी फीस होगी वो सिक्योरिटी फीस देनी होगी, ₹5,000 जो है वो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। वही ये स्टेप 3 है। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है, उसके बाद प्रवेश के लिए आपको ₹5,000 ऑनलाइन जमा करना होगा। याद रखिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा एक बात को। स्टेप 4 देख लीजिए, सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद जो स्टूडेंट है अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जब ₹5,000 आप बच्चों दे दोगे, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर बोलें या फिर उसे आवंटन पत्र बोलें, दोनों ही बात एक है, तो जो है वो आवंटन पत्र यानी आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद प्रवेश प्राप्त करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करना होगा और प्रवेश संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो प्रवेश लेने के लिए अपने जो भी आपको यूनिवर्सिटी में जहां भी सीट मिली होगी वहां पर सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आप जाएंगे। आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को हर बार ₹500 ऑनलाइन जमा करना होगा। मतलब मान लीजिए आप पहली काउंसलिंग नहीं कराते हैं और आप सीधा दूसरी काउंसलिंग कराते हो, तो आप दूसरी अगर काउंसलिंग कराने जा रहे हो बच्चों, तो सीधा आपको हर बार ₹500 देना होगा। यानी पहली बार भी 500 दोगे, अगर आप पहली काउंसलिंग कराते हो, मान लीजिए पहली में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आप दूसरी काउंसलिंग कराओगे, आपको फिर से ₹500 देना होगा। वही बात कह रहे हैं
कि हर बार जो है वो आपको 500 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा। आगे देखते हैं, पंजीकरण एवं डॉक्यूमेंट अपलोड निर्धारित तिथियों में कराना ही सुनिश्चित करें, यानी कि जो आपका 500 रुपए जमा करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये जो दो तिथियां दी गई हैं बच्चों, 26 से 28 तक पैसे जमा कर दीजिए 500, उसके बाद 18 घंटे के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करके 27 से लेकर 31 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। ये बात वो कह रहे हैं कि निर्धारित तिथि में जरूर जमा करा दें। नोट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर जांच में अगर फर्जी और गलत पाए जाते हैं तो शासनादेशों नियमों के अनुरूप न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करके करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक, अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर इस तरह की चीज़ें अपलोड करते हो तो यूनिवर्सिटी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकती है और आप पर कार्यवाही भी कर सकती है। तो ये बात कुलसचिव के द्वारा यहाँ पर कही गई है। 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपनी वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। एक ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान जो भी अपलोड किए जाने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, तो बच्चों यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र का पीडीएफ बना लीजिए। अगर आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक साथ ही है तो आपको एक साथ ही उनका पीडीएफ बना लेना है। कई बच्चों का अलग अलग हो सकता है तो वो अलग अलग पीडीएफ दोनों का बना लें। ठीक, अंक पत्र का अलग बनेगा, उनका प्रमाण पत्र का अलग बनेगा। अगर आपका एक में ही है तो एक में ही बनेगा। इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र बना लीजिए। स्नातक पाठ्यक्रम की अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट, पीडीसी या डिग्री प्रमाण पत्र, इसका पीडीएफ बना लीजिए। नवीनतम सामान्य निवास प्रमाण पत्र अपना रेडी कर लीजिए, उसका पीडीएफ बना लीजिए। नवीनतम जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी एससी एसटी के जनरल वालों के लिए नहीं है तो अपने जाति प्रमाण पत्र का बना लीजिए। अपने आधार कार्ड का पीडीएफ, अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए हाँ किया था एप्लीकेशन फॉर्म में तो ईडब्ल्यूएस के लिए बना लीजिए, ईडब्ल्यूएस का अपना पीडीएफ बना लीजिए। आगे देख लेते हैं, खेल प्रमाण पत्र, अगर आपने खेल का सर्टिफिकेट कोई लगाया हो तो आप उसका भी आप पीडीएफ रेडी कर लीजिए। टीसी या माइग्रेशन का प्रमाण पत्र, इसका भी रेडी करिए। अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र केवल डीपी पीसी और एफएफ अभ्यर्थियों के लिए है, जो भी आपने अगर लगाए हों तो वो आप बनवा लीजिए। पिछले शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा का अगर गैप हो गया है तो ये हलफनामा जरूर बनवा लीजिएगा। अगर लास्ट जो भी आपका जहाँ भी आप लास्ट पढ़ाई कर रहे हों अब तब से लेके अगर अब तक 6 महीने का गैप हो गया है, चाहे वो कोरोना कारण हो चाहे जो भी कारण रहा हो, अगर गैप हुआ है तो हलफनामा बनेगा। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप कहीं से भी बनवा सकते हो। आपको वहाँ बताना होगा कि सेवा में कुलसचिव महोदय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय या फिर जो भी यूपी कैडेट के लिए उत्तरदायी है उसके परिपेक्ष में आप बनाओगे तो वहाँ पर लिखवा दीजिएगा कि पिछले 6 महीने से लगातार कोरोना की वजह से हम कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं और आप मुझे यूपी कैडेट काउंसलिंग 2020 में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें। तो ये चीज़ जो है वो आपको हलफनामा में लिखवाना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर पिछले शिक्षण संस्थान से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, आपको वहाँ से जो लास्ट आपने जहाँ से पढ़ाई की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा तो वो प्रमाण पत्र भी आपको, उसका भी पीडीएफ आपको बना के अपलोड करना होगा। कैसे क्या करना होगा, उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको उसका एक वीडियो, अच्छे से डिटेल्ड वीडियो आपको समय समय पर देते रहें। आगे देख लेते हैं, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से अपेक्षा है, जो भी बच्चे क्वालिफाइड हैं इसको याद रखिएगा, जो नॉट क्वालिफाइड हैं वो सब बाहर हो चुके हैं, सिर्फ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उपरोक्त डॉक्यूमेंट यानी इन सब की ओरिजिनल कॉपी अलग अलग पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके सुरक्षित रख लें। याद रखिएगा, इन सब का अलग अलग पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए स्कैन करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो बच्चों इतनी बातें जो है वो कही गई हैं यूपी कैडेट या सीएसई यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप सब लोग इसको रेडी करा लीजिए। इसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा, 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2020 तक आपको जो है बच्चों पेमेंट करना होगा 500 रुपये। उम्मीद है आप सबको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, एक एक बात को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझाने की कोशिश की गई है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं बच्चों तो आप सब लोग, अगर कानपुर में रहते हैं तो आप सब लोग तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के नाम से परिचित होंगे, आप सब लोग आकर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं सर से, या फिर अगर आप नहीं आ सकते हैं बाहर से हैं तो 9793900888 पर कॉल करके भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो, या फिर इस वीडियो के नीचे बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जुड़े रहिए, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन ये भी दे दी जाए
अगर आप एमएससी के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो भी आप 97-93-988 पर एमएससी इंट्रेंस के लिए अगर करना चाहते हैं तो भी आप 97-93-988 पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप सभी लोग इसी तरह से, और रेगुलर अपडेट अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा जो भी इससे जुड़ी काउंसलिंग से जुड़ी जो भी आएगी सबसे पहले वो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जरूर दे दी जाती है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप नाम सर्च करेंगे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर, सबसे ऊपर चैनल आएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, धन्यवाद।